नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच पंजाब में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों को लेकर CM अरविंद केजरीवाल के आवास पर बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में पंजाब के सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो रही है। इसमें पंजाब के CM भगवंत मान सहित कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। बैठक में पंजाब के CM भगवंत मान, आप संगठन महासचिव संदीप पाठक समेत अन्य बड़े नेता मौजूद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि गठबंधन की आधिकारिक घोषणा का फिलहाल इंतजार है। बता दें, हाल ही में CM केजरीवाल गोवा दौरे से लौटे हैं। वहां उनका कहीं जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम था। वहां उन्होंने वेंजी विकास द्वारा बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक का भी दौरा किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें चौथी बार समन भेजा था, लेकिन वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अब यहाँ लगातार ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 5वां समन भेजने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर ये कहना है कि जैसे कोई चुनाव नजदीक आता है, वैसे ही ईडी यहाँ पर समन भेजना शुरू कर देती है। क्या वाकई में यहाँ अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? जिस तरीके से यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार मेहनत करते नजर आ रहे हैं। पहले यहाँ पर देखा गया एक छोटी सी पार्टी से बड़ी पार्टी बनाना, एक नेशनल पार्टी बना देना, यहाँ कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मेहनत तो नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यहाँ शराब घोटाले मामले को लेकर फंसाया जा रहा है, और साथ ही साथ उनके नेताओं को भी यहाँ फंसाने की बात की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल एक बड़ा कदम उठाते नजर आ सकते हैं। क्या मानना है आपका इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और देखते रहिए SPN9 News। धन्यवाद।